हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के एरा। हम लोग को कंप्लीट कर चुके थे फिफ्थ एरा तक, क्लियर है? फिफ्थ जो एरा था वहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। अब हमें बात करनी है सिक्स्थ एरा की, जो बचा हुआ है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो सिक्स्थ एरा है वो है सीनोजोइक एरा, ठीक है? सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में क्या होता है, देखो पहली बात, सीनोजोइक एरा को कहा जाता है ये एज ऑफ मैमल्स है, एज ऑफ मैमल्स, ठीक है? समझ रहे हो ना, मैमल्स की एज है। जैसे इससे लास्ट एरा, प्रीवियस एरा जो मेसोजोइक एरा था वो एरा ऑफ रेप्टाइल्स था, तो ये एज ऑफ मैमल्स है, क्लियर है? इस पूरे एरा में मैमल्स ही हावी रहते हैं, समझ रहे हो? सीनोजोइक एरा को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। पहले पीरियड्स देखो कितने हैं, तो दो पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? एक तो है टर्शरी पीरियड और एक है क्वार्टरनरी। टर्शरी एंड क्वार्टरनरी दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अब पीरियड्स को फर्दर यहां डिफरेंशिएट किया गया है एपोक में। और कितने एपोक में? तो देखो टर्शरी जो पीरियड है उसे डिवाइड किया गया है 5 एपोक में, ठीक है? और जो अपना क्वार्टरनरी है इसे 2 एपोक में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। अब देखो कौन कौन से हैं, तो देखो टर्शरी के जो एपोक बनते हैं वो हैं सबसे पहले प्लियोसीन एपोक, क्लियर है? याद रखना प्लियोसीन है, समझना, टर्म्स कंफ्यूज करते हैं कई बार। फिर है सेकंड ईओसीन, क्लियर है? थर्ड है ओलिगोसीन एपोक, और फोर्थ है मियोसीन एपोक, एंड फिफ्थ है पैलियोसीन एपोक। तो देखो प्लियो, ईओ, ओलिगो, मियो और पैलियो। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, टर्शरी के एपोक को याद रखने की ट्रिक है पीओ एम पी, ठीक है? पीओ एम पी। तो हमारे एक टीचर होते थे महेंद्र प्रताप, वो काफी ज्यादा पीने वाले थे, पीते थे, दबा के पीते थे, तो उन्हीं के हिसाब से ट्रिक याद रहेगी POMP, क्लियर है? फिर क्वार्टरनरी को डिफरेंशिएट किया गया है दो एपोक में वो दो हैं प्लिस्टोसीन एपोक एंड नेक्स्ट होलोसीन एपोक। अब देखो प्लिस्टोसीन और होलोसीन ये दो एपोक हैं, तो टोटल एपोक कितने हो गए, 2 पीरियड्स और 7 एपोक, समझ रहे हो? 2 पीरियड्स के 7 एपोक है। अब एपोक की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम इवेंट्स एपोक के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि किस एपोक में कौन सा इवेंट परफॉर्म किया गया। तो देखो सबसे पहले जो प्लियोसीन एपोक है इसके अंदर ट्री श्रू इवोल्व हुआ था, ठीक है? ट्री श्रू जो कि स्मॉलेस्ट मैमल है, ठीक है? फर्स्ट प्राइमेट और स्मॉलेस्ट मैमल, समझ गए? ईओसीन में क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े का इवोल्यूशन हुआ था, घोड़े का, ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इस एपोक में हुआ, ईओसीन को याद कनेक्ट कर सकते हो तुम लोग। ईओसीन मतलब इकस, घोड़े का जीनस होता है, तो इकस का इवोल्यूशन ईओसीन एपोक में हुआ, याद रह जाएगा ये चीज, ठीक है? मियोसीन जो एपोक था, मियोसीन में क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स का इवोल्यूशन मियोसीन में हुआ। फिर यहां आते हैं हम लोग क्वार्टरनरी पीरियड में, प्लिस्टोसीन और होलोसीन एपोक में। तो देखो इस एपोक के आते आते होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हो गया था, और होमोसेपियंस की एक जो मेंबर था होमोसेपियंस का
वो नेंदरथल मैन अपीयर हुआ था प्लेस्टोसिन में, नेंदरथल। पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं ना नेंदरथल के बारे में, तो नेंदरथल जो मैन था वो अपीयर हुआ था अपने प्लेस्टोसिन एपोक के अंदर, क्लियर है। और होलोसिन एपोक में, ये जो रनिंग एपोक है इसमें मॉडर्न मैन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हम लोग हैं मॉडर्न मैन, समझ रहे हो। तो आज अभी इस टाइम एट प्रेजेंट जो एपोक चल रहा है वो कौन सा है, होलोसिन एपोक रनिंग एपोक है। रनिंग पीरियड क्वार्टरनरी है, रनिंग एरा सीनोजोइक है, समझ रहे हो, सीनोजोइक एरा रनिंग एरा है, क्वार्टरनरी पीरियड रनिंग पीरियड है और होलोसिन एपोक रनिंग एपोक है, समझ गए। हर एक की अपनी एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है। टर्शियरी को याद रखने के लिए पीओ एम पी, ठीक है, प्लियोसिन ईओसिन ओलिगोसिन मियोसिन पहले ईओसिन, समझ रहे हो, क्लियर है। तो देखो प्लियोसिन में ट्री शू का इवोल्यूशन हुआ, जो स्मॉलेस्ट मेमल फर्स्ट प्राइमेट है, फिर ईओसिन में इवोल्यूशन ऑफ हुआ हॉर्स का, इक्कस का इवोल्यूशन हुआ, फिर मियोसिन में मेमल्स का इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद प्लेस्टोसिन में इवोल्यूशन इस हद तक पहुंचा कि नेंदरथल मैन आ गए और होलोसिन तो अभी जो चल रहा है रनिंग एपोक, यानी जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है, समझ गए। इसके बाद हमारा जो होमो फ्यूचरिस स्पीसीज आएगी, नहीं होमोजेनस की नई स्पीसीज फ्यूचरिस आएगी, तब नया एरा नया एपोक नया पीरियड बनेगा, क्लियर है, नई क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो देखो ये है सिक्स्थ एरा, सिक्स्थ एरा सीनोजोइक एरा, क्लियर है, एज ऑफ मैमल्स बोला जाता है जिसे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्लियर है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही मैंने लिखवाए हैं और वही याद रखने हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखवाए हैं। चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का एक तरह से लास्ट स्टेप था, ये लास्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन था, क्लियर है। अब इसके बाद तो ह्यूमन इवोल्यूशन तो होगी खत्म और कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिन पे कई बार क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन पर। तो देखो क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो एज इट इज क्वेश्चन दे सकते हैं हमें, कौन कौन से, कि अपना रनिंग एरा कौन सा है, रनिंग एरा कौन सा है, ठीक है, फिर रनिंग पीरियड कौन सा है, रनिंग पीरियड कौन सा है, और फिर रनिंग एपोक कौन सा है, रनिंग एपोक कौन सा है। तो देखो रनिंग एरा रनिंग पीरियड रनिंग एपोक डिस्कस कर लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाले पॉइंट्स हैं। तो रनिंग एरा ये नहीं कि भाग रहा एरा कौन सा है, भागने वाला पीरियड कौन सा है और भागने वाला एपोक कौन सा है, रनिंग का मतलब अभी जो चल रहे हैं एट प्रेजेंट। तो देखो रनिंग एरा सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, रनिंग पीरियड, रनिंग पीरियड अपना क्वार्टरनरी, क्वार्टर और नरी, क्वार्टरनरी पीरियड, क्लियर है, और रनिंग एपोक, रनिंग एपोक है अपना होलोसीन, होलोसीन एपोक, होलोसीन एपोक रनिंग एपोक, क्लियर है। तो देखो इस तरह से पॉइंट बनते हैं, रनिंग एरा सीनोजोइक, रनिंग पीरियड क्वार्टरनरी और रनिंग एपोक होलोसीन एपोक। तो ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, ठीक है, क्लियर है। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। चलो अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो
एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मान लिया रेप्टिलिया से मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल से मैमल्स इवोल्व हुए हैं, बट किस तरह हुए हैं, कौन से रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की, कौन से रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की। तो देखो रेप्टाइल्स की एक क्लास होती है टेरेप्सिडा, उसके मेंबर टेरेप्सिड टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं, टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं मैमल्स, टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं मैमल्स, क्लियर है, टेरेप्सिड से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, ये एक पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है, एक पॉइंट गिलास भरवा लेना, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि हॉर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, घोड़े घोड़ा है घोड़ा, कंफ्यूज मत हो जाना, हॉर्स की इवोल्यूशन, हॉर्स की इवोल्यूशन किस तरह से हुई, हॉर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई। तो देखो हॉर्स का इवोल्यूशन का क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, पहले सबसे पहले बात आती है हॉर्स के किंगडम की, किंगडम कौन सा है हॉर्स का, ठीक है। तो किंगडम है हॉर्स का कॉर्डेटा, ठीक है, अरे सॉरी यार, किंगडम है हॉर्स का एनिमेलिया, एनिमेलिया डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही थी, किंगडम एनिमेलिया। फिर बात आती है हॉर्स के फाइलम की, हॉर्स का फाइलम कौन सा है, तो हॉर्स का यानी घोड़े का फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। और फिर बात आती है ऑर्डर की कि हॉर्स का ऑर्डर कौन सा है, कौन से ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है हॉर्स को, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है पेरिसो डक्टाइला, पेरिसो डक्टाइला ऑर्डर है हॉर्स का, क्लियर है। और फिर बात आती है जीनस की, हॉर्स का जीनस कौन सा है, तो हॉर्स का जीनस है इकस, इकस 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 जीनस में रखा गया है हॉर्स को, क्लियर है। तो ये हॉर्स का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है या फिर क्लासिफिकेशन है, एक तरह से एग्जैक्ट में बताऊं तो हॉर्स का क्लासिफिकेशन है घोड़े का, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ऑर्डर पेरिसोडक्टाइला, जीनस इकस है, ठीक है, समझ गए। तो ये हॉर्स का क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि ये पॉइंट ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ होता है खत्म, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, ओके, गुड बाय।